नमस्कार, स्वागत है आपका बिहारी न्यूज में। मैं रतन सेन भारती। आज हम बात करेंगे पीएम मोदी द्वारा जारी किए गए निर्देश के बारे में। पिछले दिनों केंद्रीय मंत्रिमंडल में मोदी कैबिनेट में बड़ा फेरबदल किया गया है। आपको बता दें कि देश में 43 नए केंद्रीय मंत्री बनाए गए हैं। बीते दिन ही इन मंत्रियों ने अपने मंत्रालय में पद शपथ ग्रहण ले ली। खबर है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और हाई कमान की ओर से सभी मंत्रियों के लिए नए दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। मीडिया में चल रही खबरों की माने तो शपथ लेने वाले सभी मंत्रियों को 15 अगस्त तक राजधानी दिल्ली नहीं छोड़ने के लिए कहा गया है। मंत्रियों को दिल्ली नहीं छोड़ने के साथ ही उन्हें जश्न भी नहीं मनाने को कहा गया है। जानकारों की माने तो जश्न नहीं मनाने के पीछे कोरोना वायरस की गाइडलाइन हो सकती है। कयास लगाए जा रहे हैं कि हाई कमान की ओर से कोरोना वायरस महामारी को देखते हुए सभी मंत्रियों को ये निर्देश दिए गए हैं कि कोई भी अपने क्षेत्रों में जश्न नहीं मनाएगा। बताया जा रहा है कि शीर्ष नेतृत्व ने सभी मंत्रियों से कहा है कि वह दिल्ली में रहकर अपने अपने मंत्रालय का काम समझे और आगे की योजनाओं पर ध्यान दें। वहीं नए मंत्रियों ने पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात की। बता दें कि बीजेपी के राज्यसभा सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया, शिवसेना और कांग्रेस से होते हुए बीजेपी में आए नारायण राणे और असम में हेमंत बिस्व शर्मा के लिए मुख्यमंत्री पद छोड़ने वाले सर्वानंद सोनोवाल समेत 36 नए चेहरे सरकार का हिस्सा बने हैं। देश के नए स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया ने कामकाज संभालने के बाद कहा कि प्रधानमंत्री ने मुझे स्वास्थ्य मंत्रालय की जिम्मेवारी दी है। मैं स्वास्थ्य मंत्री के रूप में प्रधानमंत्री की अपेक्षा के अनुरूप काम करने की कोशिश करूँगा। इससे पहले ये मंत्रालय डॉक्टर हर्षवर्धन के पास था। किरण रिजिजू ने देश के नए कानून मंत्री के रूप में कार्यभार संभाल लिया है। इससे पहले यह मंत्रालय रविशंकर प्रसाद के पास था। वहीं रिजिजू पहले खेल मंत्रालय की जिम्मेवारी संभाल रहे थे। मंत्रालय विस्तार के साथ ही बिहार में मंत्रियों की संख्या फिर से 6 हो गई है। पीएम मोदी ने दूसरे कार्यकाल के पहले मंत्रिमंडल में ही बिहार के 6 मंत्री थे, जिसमें रामविलास पासवान के निधन के बाद यह संख्या घटकर 5 हो गई थी। स्वर्गीय पासवान की जगह पर पशुपति कुमार पारस ने ले ली है। इस तरह से रविशंकर प्रसाद के हटने से बिहार में मंत्रियों की संख्या 6 हो गई है। जदयू पहली बार मोदी कैबिनेट में शामिल हुआ है। साल 2019 के गठन के समय आनुपातिक प्रतिनिधित्व नहीं मिलने के कारण जदयू ने मंत्रिमंडल में शामिल होने से मना कर दिया था, लेकिन इस बार सीएम नीतीश कुमार ने विस्तार से एक दिन पहले ही यह साफ कर दिया कि पुरानी बात खत्म हो गई है। आरसीपी सिंह को पार्टी ने केंद्रीय मंत्रिमंडल में शामिल होने पर फैसला लेने के लिए अधिकृत कर दिया है। आरसीपी सिंह ने कहा कि सहयोगी दल से केंद्रीय मंत्रिमंडल में शामिल होने से गठबंधन में सद्भावना और बढ़ता है। अपने बयानों के कारण हमेशा मीडिया में रहने वाले गिरिराज सिंह को ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज जैसे बड़े मंत्रालय की कमान सौंपी गई है। ये पहले से केंद्र में मत्स्य पालन, पशुपालन एवं डेयरी मंत्रालय संभाल रहे थे। इससे पहले वे सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योग यानी कि एमएसएमई के मंत्री थे। नौकरशाह रहे राजकुमार सिंह को मोदी सरकार ने पिछले कामों का इनाम दिया है। बिहार के आरा से सांसद आर के सिंह अब तक केंद्रीय ऊर्जा राज्य मंत्री का स्वतंत्र प्रभार संभाल रहे थे। उन्हें कैबिनेट में विद्युत एवं ऊर्जा मंत्रालय दिया गया है। इधर केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री अश्विनी कुमार चौबे को भी उनका विभाग बदल दिया गया है। उन्हें उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के साथ पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय में राज्य मंत्री बनाया गया है। तो ये थी मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर खबरें, जिसमें पीएम मोदी ने सभी नए मंत्रियों के साथ ही जितने भी मंत्रिमंडल में मंत्री हैं उन सबको 15 अगस्त तक दिल्ली में रहने की बात कही है। बिहार और बिहार से जुड़ी हुई और भी ऐसी खबरों के लिए बने रहे बिहारी न्यूज़ के साथ। मुझे दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।